हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं लार्ज पीडीएफ फाइल को स्मॉल पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कैसे करें विदाउट एनी एप्लीकेशन। सो गाइस, हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आपको पहले क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सिंपली से सर्च करना है आई लव पीडीएफ। यह सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो आपको बेसिकली कॉम्प्रेक्स पीडीएफ रिड्यूस में जाना है इस तरह से। उसके बाद सिलेक्ट वाले ऑप्शंस पे जाने, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पर चूज करना है। उस बाद इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। हमें डाउनलोड के ऑप्शंस पर जाना है। उसके बाद अपने पीडीएफ को चूज कर लेना है जहाँ भी हो। मैं ये वाले पीडीएफ करने वालों, आप देख सकते हैं ये पीडीएफ 43.05 MB की है। अब इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। उसके बाद आपको कॉम्प्रेक्स पीडीएफ दिखाई दे रहा है, वहाँ जाना है। गाइस, हमारे वीडियो अपलोड होने चालू हो चुकी है। हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। वही गाइस, हमारे फाइल 50% अपलोड हो चुकी है। हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। गाइस, हमारे फाइल 83% अपलोड हो चुकी है। ओके गाइस, सो हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है और अब ये कॉम्प्रेसिंग पीडीएफ हो गई है। अब हमें इसे ये सेव्ड लिखा आ रहा है और ये डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हमें सिंपली से यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह से। और आप देख सकते हैं 41.05 MB की पीडीएफ 1.60 MB की हो गई है और ऊपर हमारे पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है 1.60 की। गाइस, अब हमें सिंपली से वापस आ जाना है और हमें फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद डॉक्यूमेंट में जाना है। गाइस, हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है और आप यहां से देख सकते हैं। ओके, सो गाइस, हमारा वीडियो आज का पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।